Zombie Apocalypse. सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल एब्सोल्युटली फाइन। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ डेली व्लॉगिंग एक महीने के लिए। देखते हैं कैसा लगता है आपको मेरा कॉन्सेप्ट डेली व्लॉगिंग का। लद्दाख ट्रिप अभी थोड़े टाइम पहले ही ख़त्म करी है और बैक टू माय बिजनेस कैंपिंग वापस से शुरू कर रहा हूँ। मेरी कार पीछे खड़ी है और हम आ चुके हैं इस वक्त देलावाड़ी फार्म्स पे, जैसे पहले टाइगर रिसॉर्ट के नाम से जाना जाता था। और यहाँ से आज हम इस सीज़न मतलब 2021-22 जो फर्स्ट कैंपिंग है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए थे थोड़ी देर पहले, कुछ टेंट्स का सेटअप करा है, बाकी टेंट्स जो हैं वो हमें टेंट पिचिंग एक्टिविटी करवाते हैं उसमें करवाएंगे। तो सोचा आपको थोड़ा सा पहले लोकेशन का एक ओवरव्यू टाइप का दे दें और उसके बाद फिर आगे की कंटिन्यू करते हैं। डेली ब्लॉग्स आएंगे, ज़रूरी नहीं है रोज़ ट्रैवलिंग के या इस टाइप के मेरे ब्लॉग्स हों, लेकिन हाँ एंटरटेनिंग होंगे थोड़े बहुत। तो और दिखाता हूँ फिर चलो आपको बाकी की लोकेशंस, और फिर जैसे जैसे लोग आते जाते हैं तो उनसे मिलवाऊँगा आपको कि कैसा लगता है आपको उनके साथ मिलके। तो हम लोग आए चाय पीने और पता चल रहा है दूध ही नहीं है। नहीं है ना गिरीश, दूध नहीं है ना, दूध खत्म हो गया। दूध ही खत्म हो गया। तो अभी कासिम तो चिप्स खा रहा है, कासिम को चिप्स खाना है। यह भाई का नाम भी अभिषेक है, ठीक है, फोटोग्राफर है। और ये भाई है इदुल, ही इज़ अ टीचर संस्कार वैली के अंदर, ठीक है। तो कैंपिंग के लिए अभी तो इतने लोग हैं, दो लोग हैं अंदर, वो अपना टेंट पिचिंग कर रहे हैं और बाकी लोगों का वेट हो रहा है। कुछ लोग और आने हैं, मतलब नियरली 8 लोग और बचे हैं अभी आने के लिए। हमारा प्लान अभी यह है कि एक ग्रुप और आ रहा है 2 लोगों का, तो जैसे ही वो लोग आते हैं तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। पास ही में एक वाटरफॉल है जिसका वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, तो उसी वाटरफॉल पर वापस जाने का, फिर आगे का देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो पहले चाय पिएँ और थोड़ी एनर्जी वापस लाएँ। यार ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको चेहरा ऐसा दिख रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कितनी बार पहुँच लो कितनी बार धो लो, लेकिन वापस हालत वैसी हो जाती है। चलिए चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। अपन भी ले लें चाय, कैमरे में देख के चाय लेना बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। ये बिस्किट पार्ले जी, ये चाय दूध की, ठीक है। अब इसको डुबो के इसमें खाते हैं जी, मैंने जीनियस। सो फ्रेंड्स, दो भाई और आ गए हमारे, नाम बता दो आप लोग दोनों, मेरे को याद नहीं है। दिस इज तपिन। तपिन, हाय, दिस इज करण। करण, ओके। तो दो जन और आ गए, दो आगे हैं, आकाश भाई है ना। हाय आकाश। आकाश और मैम का, ज्योति, ठीक है। सो हम लोग अब जा रहे हैं भदभदा प्रपात की तरफ। बहुत पहले मैंने 2 साल पहले भी इसका व्लॉग बनाया था, अब आज देखते हैं 2 साल बाद जाके क्या सिचुएशन है। 2 साल से तो मैं खुद ही नहीं आया इधर, तो चलते हैं। अभी इतने ही लोग हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं है। एक ग्रुप है वो बहुत पीछे, वो तो अभी भोपाल में ही होगा प्रोबेबली, जहाँ तक मेरे को नहीं लग रहा कि वो जल्दी आने वाले। तो 2 साल बाद टूवर्ड्स भदभदा प्रपात। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ये स्वेटिंग और चेहरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और चलो रिंकू भैया भी आ गए, आप लोग को रिंकू भैया से नहीं मिला है। जिस जगह पे हम लोग कैंपिंग करते हैं ये जगह हमको प्रोवाइड करते हैं रिंकू भैया, और बाकी आगे की कहानी तो आपको मिलेगी कैंपिंग की आज कैसी रहती है, आज की और कल की, 2 दिन में कवर हो जाएगा। कल का पूरा दिन तो होता नहीं है, मॉर्निंग तक रहता है। मॉर्निंग में करेंगे सनसेट ट्रैक। अच्छा ये ट्विस्ट है, एक्चुअली सनसेट अभी होता है लेकिन वो ट्रैक है लंबा, और प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से वहाँ गाड़ी नहीं ले जा पाते। विंटर्स आ जाएगा प्रॉपर, थोड़ा ये मिट्टी सूख जाएगी तो फिर गाड़ी चली जाएगी, तो इस वजह से हम लोगों को ये अभी करना पड़ रहा है, कि क्योंकि छोटा ट्रैक है वो बड़ा है, तो वो मॉर्निंग में करेंगे। और ये वाला भी छोटा सा है तो उसको कवर अप कर लेते हैं जल्दी जल्दी अंधेरा होने से पहले, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट है, 5:30 हो चुका है, और जंगलों में अंधेरा भी थोड़ा जल्दी एहसास हो जाता है। तो
जल्दी कवर अप करके और वापस रिटर्न थे। अब जाके चाय पीनी है एक बार अच्छी वाली और फिर भजिए वेट कर रहे हैं हमारा, वेट कर रहे हैं तो हम भजिए के साथ चाय भजिया और चाय और वो बारिश होती थोड़ी तो वो मौसम हो जाता है तो है ही। तो चलिए इससे पहले सर आप लोग गए कभी कैंपिंग कोई सी? कैंपिंग फर्स्ट कैंपिंग है इनका, होते रहता है वैसे। अच्छा तो रेगुलर कैंप्स होते हैं। अच्छा अच्छा। और मतलब मैं मोस्टली फर्स्ट टाइम भोपाल में किसी कैंप में ज्वाइन किया हूँ। ओके। इधर मैं हिमाचल पूरा घूमा हुआ, हिमाचल कसोल खीर गंगा बस, फिर तो सभी करा होगा आपने तो पूरी। बाकी केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूरे चारों धाम तो हो गए विजिट सारे। ओके चलिए बढ़िया। तो अब देखते हैं आप लोग को ये एक्सपीरियंस कैसा लगता है डेविल्स एडवेंचर का। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो चलिए आप लोगों को आगे मिलता हूँ, बोर नहीं करता ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, दो साल बाद फिर से भदभदा प्रपात पे आ चुके हैं। पानी बहुत कम है क्योंकि मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा पानी में देखा है तो मुझे कम लगेगा। बाकी लोगों को देखते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी मौजूद हैं यहाँ पे पहले से। तो अब नज़ारे देखो, नज़ारे बहुत बढ़िया रहते हैं यहाँ से। जो पहाड़ दिखते हैं उसका व्यू बहुत शानदार है। तो चलिए थोड़े सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ यहाँ के आप लोगों को। सो हम लोग पहुँच गए हैं भीम प्रपात पे। पानी बहुत कम है, इतना ज़्यादा तो नहीं है, सॉरी भदभदा प्रपात। और व्यू बहुत अच्छा है तो नज़ारे का थोड़ा सा इन्जॉय कर रहे हैं। और फिर पहुँचते हैं वापस से कैंप साइट पे। तो चलो थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट तो इन्जॉय कर ही लो आप लोग, जो मैंने दिखा दिए कुछ और देख लो। और भाई कॉपीराइट। सो फ्रेंड्स, अभी हमने भजिए करने चालू करे हैं। लाइट नहीं है एक्चुअली, ये जो जल रही है सब इमरजेंसी लाइट जल रही है। लाइट आ जाए तो हैलोजन जलेगी। तो मेरी भजिए की प्लेट तो लगभग खाली हो गई है, हम दोनों की। हाँ, इधर भरी हुई है, इधर भरी हुई है, देख लो आप भजिए क्वालिटी देखो पूरे भजिए की। तो भजिए बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं एकदम। और अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले ट्रैक करके आए थे तो भूख लग रही थी, अभी तो चाय भी पियेंगे। तो चलिए मैं थोड़े से और भजिए ले लेता हूँ। गल्ले वाली, गल्ले वाली ये बल्ब बढ़ा देते हैं, बीपी चढ़ रही है। अच्छा, किस चक्कर में आप भी लो ना। अरे हम तो चलते चलते खाते रहते हैं। अच्छा, चलते रहते हैं। टेस्ट अच्छा है, बढ़ गया सब सारी अच्छा मिलेगा। अच्छा, आप लोग फ्रेंड्स अभी तक रिंकू भैया से नहीं मिले। ये रिंकू भैया हैं। अच्छा अच्छा। तो इन्हीं की जगह है ये, जिस जगह पे हम कैंपिंग कर रहे हैं। भजिए बढ़िया है भैया, बिल्कुल एकदम। इस बार जो कुक ना हाँ बदल दिया, हर चीज़ हाँ बदल दिया ऊपर, अब आपको तेल भी नहीं दिखेगा कुछ। अच्छा, हर चीज़ ओके। चलिए तो कासिम है ये बताएगा कि आज नाइट कैंपिंग में खाने में क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो नमक है। नमक है, फिर सबसे पहले प्लेट भी। अच्छा, प्लेट भी है सबसे पहले। सबसे पहले प्लेट भी है, चम्मच भी है। इसके बाद ये है टमाटर की चटनी, आई थिंक। नहीं, हरी चटनी है वे, टमाटर की है। श्योर, मैं बनाता हूँ। अचार है हमारे पास, मिर्च है, भैया ने काफ़ी अच्छा बनाया। और उसके बाद हम मिर्ची ले रहे हैं एक तेज वाली, और फिर सैलेड है हमारे पास। ले लेता हूँ प्याज, में काफ़ी सारी लेता हूँ क्योंकि मुझे प्याज ज़्यादा पसंद है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक नींबू ले लेते हैं थोड़ा सा,
वो एक प्याज और ले लेते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, साथ में आ रहा है पापड़। पापड़ ये पापड़ ये पापड़ तो पापड़ कितना लग रहा है? पापड़ टाइप पापड़ टाइप पापड़ फापड़ा ये पापड़ टाइप को पापड़ है। ये कटोरी के साथ दाल, कटोरी और हम दे रही है दाल। वाह, दाल में सांभर जैसी खुशबू। मेरे को पता है ये वीडियो देख के ना काफी सारे लोगों के मुंह में पानी आने वाला है। दाल में से सांभर जैसी खुशबू आ रही है। हाँ, ये काय की सब्जी है? सब्जी है, मिक्स वेज है। ये मिक्स वेज है। हाँ, ये तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी, तो मतलब लिटरली देखो मिक्स वेज। ये पनीर, पनीर पनीर भी है। कटोरी में डालने था यार, दूं ये कटोरी में। ये इसकी रिक्वायर्ड है। पनीर लिया है, फिर ये है तंदूरी रोटी, रोटी विद बटर, बटर बटर तंदूरी रोटी। मतलब मजा आ गया, मतलब बटर। ये राइस, राइस राइस को हम पुलाव कह ले, पुलाव कह सकते हैं। मटर वटर डाला उसमें बकायदा, उसमें थोड़ी देर बाद लेंगे। प्लेट फुल हो चुकी, जगह नहीं है। वो थ्री इडियट वाला, थ्री इडियट वाला सीन बन जाएगा। क्या काफी सारी चीजें हैं तो क्या प्लेट फुल हो गई है? उसका फोटो शूट करना। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या काफी सारी चीजें तो प्लेट फुल हो गई है तो अब चावल की जगह नहीं है तो थोड़ा खा ले। नहीं कोई ना, एक दूसरी प्लेट में ले लेना, ऐसा कर ले। चावल काफी सारे। चलो तो ये है आज का पूरा हमारा डिनर, फिर बाकी कल ब्रेकफास्ट में क्या होगा वो बताएंगे। अभी मैं थोड़ा बिजी था इस वजह से मैं कुछ एक्टिविटीज रिकॉर्ड नहीं कर पाया यहाँ पे। सो मैं कुछ एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाया यहाँ पे। भी थोड़ी देर पहले हम लोग का म्यूज़िक नाइट चल रही थी, उससे पहले डमशराट्स चल रहा था, तो सॉरी फॉर दैट यार, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं, आने वाली कैंपिंग्स भी हैं, आने वाले हफ्तों में भी कैंपिंग्स हैं। मैं वहाँ पे दिखा दूंगा आप लोगों को कि और कैसे क्या क्या होता है एक्टिविटीज़ में। आज फर्स्ट कैंपिंग है सीज़न की, थोड़ी सी लाइट्स की भी थोड़ी सी दिक्कत थी, लाइट जा रही थी एक्चुअली, तो वो भी था और हम इतना ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं कर पाए थे, इसलिए थोड़ा सा माहौल फीका है। बाकी कुछ नहीं, टेंट्स लगे हैं पीछे हमारे, यहाँ पे आप देख सकते हो वो थोड़ा क्या है, ग्रीन टेंट्स हैं और लाइट की वजह से वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होंगे, तो वो मैं सुबह आपको एक शॉट और दिखा दूंगा कि हमारे टेंट्स कैसे लगे हुए हैं कैंपिंग के। और वॉशरूम के लिए इधर पीछे आप देख रहे हो यहाँ हट्स बने हुए हैं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वहाँ पर आप जा सकते हो वॉशरूम के लिए भी, और अगर बारिश वरिश आई तो उसमें हम शिफ्ट भी हो सकते हैं फॉर स्टे। तो ये है अभी तक का सीन टोटल, और डेली व्लॉग सीरीज़ का पहला व्लॉग है। आज से शुरुआत करिए कि डेली व्लॉग्स डालूंगा। अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। छोटा छोटा सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक यूट्यूबर के लिए। तो चलिए मैं भी कर लूँ अपना डिनर और फिर देखते हैं, रात में थोड़ा स्टोरी टेलिंग सेशन रहेगा। कोशिश कर रहा हूँ, अब क्या है यार, रात में आज तक कभी इतने वीडियो रिकॉर्ड करे नहीं इस लाइट में, इतनी कम लाइट में, तो अब मेरे को पहली बार डेली वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो अब पता चल रही है प्रॉब्लम्स, तो लाइट की दिक्कत है। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा एक छोटी पोर्टेबल लाइट अपने साथ लाऊँ, जिसको मोबाइल में कनेक्ट करके या DSLR के साथ कनेक्ट करके मैं रिकॉर्ड कर सकूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, फर्स्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम से ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो रात को स्टोरी टेलिंग और कुछ रखते हैं थोड़ा, उसके बाद तो फिर सुबह ही मिलेंगे आपसे सीधे इन ट्रैक और नेक्स्ट डे। कल से तो नेक्स्ट डे हो जाएगा ना, अब तो डेली व्लॉग्स आने हैं। तो चलिए मैं डिनर कर लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे आगे ना, तब तक आप थोड़ा सा वेट कर लो। वेट कैसे होगा यार, ऐसे मिलते हैं अपन, देखो ऐसे। खाना ना कैसा लग रहा है सर अभी तक का? बढ़िया बढ़िया। चलिए तो जैसा भी लगे आगे बताना, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है? ओके, सबने ले लिया ना आपने खाना? आपने नहीं लिया, ले लेना आप भी। चलो यहाँ भी पूछ लेते हैं इनको कैसा लगा, फिर कासिम से तो पूछेंगे ही। देखो कासिम ने अपनी अलग सेटिंग बना ली है, कुर्सी पे बैठ गया टेबल लेके। सो सर खाना कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। अच्छा चलिए, तो आप खुश तो हम खुश, और क्या। ये कासिम भाई खाना कैसा लग रहा है? ये देखो अपनी अलग सेटिंग बना के बैठा है टेबल पे बिल्कुल, ये राजा साहब, ये देखो है ना। कैसा है अभिषेक भाई? बस अभिषेक भाई ने तो अभी एक ही और खाया, क्या पूछ रहा हूँ मैं भी, बस टाइम देना पड़ेगा ना। चलो मैं भी लेता हूँ अभिषेक भाई, रह गए थे इनसे और पूछ ले खाना कैसा है। मैंने फिलहाल मिर्ची खा ली एक बड़ी लंबी। हाँ आंखों से आंसू टपक।